स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल इंस्पायरिंग एग्री कॉन्टेक्ट पे सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट राइट ये आप सभी जानते हैं राइट right. uh, बाकी uh, जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव देख पा रहे हैं uh, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर दिसर एग्जाम इवन फॉर योर नीट एज वेल एज समल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको कंसनट्रेट रूल्स वही पहले जैसे सेम रहने वाले हैं देर वल बी फिफ्टी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर आपको आंसर करते हुए क्वेश्चन नंबर साथ में डालना है बच्चे ठीक है और एट द एंड ऑफ द सेशन यूलो आफ्टर एनालाइजिंग यूर स्कोर आपको कॉमेंट पे Uh, बताना है लाइव सेशन पे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो गलत हुए हैं ठीक है संजय गुड इवनिंग चाहत अदिति पूर्वा हाँ जी बच्चे जल्दी से एंड यू कैन लाइक दिस सेशन एज वेल एज यू कैन शेयर दिस सेशन टू योर नेबर्स जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर में तैयारी कर रहे हैं फॉर द कॉम्पिटिशन और जिनको इस चीज से हेल्प मिल सकती है आपको लगता है कि वो उनको ये करना चाहिए तो यू कैन शेयर ठीक है जी एम आई ऑडिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू आर नॉट ऑडियो वीडियो क्लियर है थर्टी सेकेंड रहने वाली है क्वेश्चन थर्टी सेकंड से पहले कुछ एक ऐसे क्वेश्चन भी होंगे तुम्हें टेन सेकंड के आंसर आंसर मार्क करना है यानी की वी विल नोट द टाइम और उसके बाद यू विल जस्ट यू नो आपको इस तरह से पेपर देने की जैसे आप फाइनलाइज पेपर एकदम आई सी आर का दे रहे हो उस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए okay. तो, सभी को अपना आंसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देना है विद एक आपको पता चलेगा कि आप कितनी सही तरीके से क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर पा रहे हो दैट इज एक्चुअली हेयर राइट सो कैन वी सेशन हाउ इज द जोश guys, jaldi batao. can we start the session? can we start the question practice? anji. jaldi se. okay. i am audible properly. yes. so here we go. the first question in your screen is. okay. yes. which substance control growth and originate at the tip of the stem? jaldi batao. कौन सा सब्सटेंस जो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है और टिप ऑफ द स्टेम पे ऑरिजिनेट होता है जल्दी से आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आपके कमेंट्स आपकी जो लाइव चैट में पार्टिसिपेशन संजय का आंसर आ चुका है ठीक है हॉबर्ट मेरे पास एक स्टूडेंट है यहां पे ओके इनका भी आंसर आ चुका है बच्चे क्वेश्चन नंबर साथ में आपको डालना है पक्का

Last page of this थे, वहां पे भी ये था। अगर मैं गलत नहीं हूं जल्दी से बताओ आंसर क्वेश्चन टू बताइए क्वेश्चन नंबर टू वट कैन बी मेक द पाइन एपल इंटू फ्लावर्स इन द ऑफ सीजन यस, सो आंसर यहाँ पे आ चुका है एज पर अवर कंसर्न इसका जो आंसर बुक में गिवन है दैट इज योर एन ए ए दैट इज योर नेफलिन एसिटिक एसिड राइट ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए डाउट है ए इज द इथाइलिन बचे दिस इज राइपनिंग हार्मोन, वाई इट विल क्रिएट देखो वहां पर लिखा हुआ है पाइनएप्पल में लिखा हुआ होगा आपको पता है कि ऑक्सिन का भी एनसीईआरटी ने जिक्र किया है इथाइलिन का भी जिक्र एनसीईआरटी ने किया है बट आप वर्ड वहां पे देखना एक जगह पे लिखा हुआ है प्रमोट एक जगह पे लिखा हुआ है इनिशिएट प्रमोट है यहां पे ना तो इनिशिएट वर्ड है सो so, टेक्निकली ये ऑफ सीजन की जब ये बात कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे लो टेम्परेचर बेसिकली एक टेम्परेचर इज द फैक्टर जो ऑफ सीजन में उन चीज को ग्रो करने में हेल्प करता है मार्क दिस वर्ड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे अगर इनिशिएट वर्ड होता इनिशिएट वर्ड होता तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन आंसर आता और अगर आंसर चला जाता वो एनसीआर की लैंग्वेज है बट वो फैक्टर है जो लो टेम्परेचर देने पे जैसे कुछ ऑफ सीजन में भी कई बार फ्लावरिंग जो है वो हो जाती है दैट इज द फेवरेबल कंडीशन जो उस पर्टिकुलर प्लांट को चाहिए क्या याद हुआ क्या आपको याद आई चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग टू फॉरवर्ड वॉज शोन बाय एक्सपेरिमेंट डन बा प्लांटोट्रॉपर्व किया चार्ल्स डार्विन ने और उनका जो सन था उन्होंने फोटोट्रॉपिज दैट वॉज द टेक्निक आपको पता है क्या वहां पर उन्होंने चीज देखी वट वॉज देअर वट डिड दे एब्जर्व बताओ 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 आंसर yes, yes, yes. हमारे पास में आ चुका है आपका जो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी द टिप ऑफ दॉलिफ्ट इज द इज द इज द लाइट रिसेप्टर ऑफ द प्लांट यहाँ पे ये यह चीज उन्होंने देखी थी बेसिकली की यहां पर जो कॉलिफ्टाइल की टिप है वहां पे बेसिकली जो रिसेप्टर है देर आर प्रेजेंट राइट अब देखिये नेक्स्ट हमारे पास में क्या है नेचुरल ग्रोथ इन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल ग्रोथ इनिवेटर वर्ड लिखा गया है कौन सा से ग्रोथ है? जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से वेरी फास्ट जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इन फ्रंट ऑफ यू ओके अदिति का आंसर आ चुका है बाकी लोग बाकी लोग भी आंसर करो पूर्वा ओके ओके संजय यस बाकी सभी लोग और सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो फिर आपका जो है वो uh, मतलब कि वहाँ पे कंसंट्रेट होकर के रहना वो जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ओके गाइस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी एज यू नो दिस ए बी इज द एब्सिस एसिड दिस इज अगेन यू नो आपका ये ऑक्सीजन हो गया गिब्रेलिक एसिड हो गया तो यहाँ पे जो इनिवेटर है दैट इज द एबसिस एसिड ए बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन सम स्पीसीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट की डेवलपमेंट में नोट इफेक्ट ऑफ गिब्र कौन सा इफेक्ट गिब्रेलिन नहीं देता है क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने जल्दी से जल्दी से बताइए रूट डेवलपमेंट इंडक्शन ऑफ बोल्टिंग या फोटोट्रॉपिजम कौन सा इफेक्ट ये नहीं देगा Yes, answer of this particular question is option D. There is a contradiction in between you. Okay, problem. सिर्फ ये शो नहीं करता ये किसका फीचर है ये ऑक्सीजन की वजह से होता है अभी आपको बताया था इंडक्शन बोल्टिंग प्रोग्राम्स में इसको यूज करते हैं फ्रूट की डेवलपमेंट शेप देता है एप्पल को ये एनसीईआरटी की लाइन है स्टेम की डेवलपमेंट इंटरनोरल डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा बेसिकली दैट इज द पॉइंट ओके आंसर क्लियर हो गया क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए इन प्लांट इज द टिपिकल ग्रोथ कर टिपिकल ग्रोथ कर्व प्लांट में आपको कैसा मिलने वाला है क्वेश्चन ये है बताओ टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा मिलने वाला है एनसीआरटी में देखा था क्या एनसीआरटी में दिस दिस स्टेटमेंट इज रिटर्न इन एनसीआरटी ओके यस कैसा मिलेगा प्लांट में आपको ग्रोथ कर्व यस अदिति संजय बाकी लोग सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है ठीक है टाइम लिमिट आपके पास है जितना जल्दी अटैम्प्ट एक्यूरेसी करोगे दिस इज द प्रैक्टिस टाइम ओके यहां आपको एकदम अच्छे से करना है यस आंसर इज ऑप्शन डी यहां पे मिलने वाला है ठीक है एंड नेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन वेरी फेमस एंड वेरी इजी क्वेश्चन स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं ऑप्शन आपके सामने हैं एफिसिक एसिड इथाइलिन गिब्रेलिक एसिड एंड इंडोल एसिटिक एसिड क्वेश्चन नंबर आपके सामने जल्दी से बताइए जल्दी से वेरी फास्ट कम ऑन अदिति का आंसर आ चुका है हॉबर्ट यस कॉमेडी टॉक्स संजय चाहत ओके नाइस देखिए आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी एसिड स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं क्यों क्योंकि ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशन चाहे वो पानी की स्कासिटी हो चाहे वो विंड फ्लो हो टेम्परेचर हो वट एवर इट इज दैन एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस कंडीशन दिस हार्मोन इज रिलीज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द ऑफ शूट ये अच्छा क्वेश्चन है ये पहले आ चुका है प्रीवियस ईयर में डिफ्रेंशिएशन ऑफ शूट को कंट्रोल करता है क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइए शूट की बात हो रही है रूट की बात नहीं हो रही है याद रखना इस बात को ओके okay, अदिति का आंसर आ चुका है वेरी गुड बाकी लोग भी आंसर करना है सबको आंसर करना है एंड योर टाइम लिमिट आपके पास ऐसे क्वेश्चन हैं आपको फिफ्टीन सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लेना है इसमें राइट क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने है वेरी गुड आंसर इज ऑप्शन सी हाई साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो साइटोकाइनिन हाई क्यू है क्योंकि आपको शूट की डिफ्रेंशिएशन करवानी है शूट की ग्रोथ करवानी है तो शूट के लिए बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका साइटोकाइन शूट के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर जब भी कोई सीड अगर उस सो करना है अगर उसको हमें ग्रोथ करवाना है तो हमें ऑक्सीजन जो है वो साइटोकैनिन ये दोनों चीजें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एट इक्वल रेशियो ताकि शूट भी बन जाए और रूट भी बन जाए दोनों तरफ को डेवलपमेंट हो ठीक है तो ये चीज ये क्वेश्चन आ चुका था पहले ओके नेक्स्ट देखिए आपके पास में और ये मैं आपको आगे भी क्वेश्चन एक और आएगा तब आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने इन ग्रीन प्लांट सेल इलागेशन अकर एट इंटरनोड रीजन ड्यू टू ग्रीन प्लांट्स में जो सेल का इलांगशन है ये इंटरनोडल पे पे जो इंटरनोड वाले रीज़न ये किसकी वजह से इलांगेशन होती है यानी कि इनडायरेक्ट वे में दिस क्वेश्चन वॉन्ट आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन विल इंक्रीज द इंटरनोडल डिस्टेंस दैट इज द पॉइंट यस जल्दी से बताओ क्वेश्चन स yes, will be, will be की बात हो रही है तो गिब्रेल बी देंट इज येलिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट क्या क्लियर है सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बचे विच ऑफ द विच प्लांट हॉर्मोन कंट्रोल्स फ्रूट राइपनिंग फ्रूट की जो राइपनिंग है उसे कौन सा हॉर्मोन जो है वो कंट्रोल करता है जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर टेन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर टेन आपके सामने है यस आदिति का आंसर आ चुका है हॉबर्ट का आंसर आ चुका है वेरी गुड दिस इज इजी पीजी क्वेश्चन यस है ना हॉर्बर्ट बॉयर इन्होंने डिस्कवर किया था इसको आइलीन okay. बेसिकली जो है यहां पे आपके पास में राइपनिंग हार्मोन है नेक्स्ट आपके सामने है डोरमेंसी इज इंड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डोरमेंसी को कौन इंड्यूस करेगा अब बताओ अब बताओ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने डॉरसीड्यूस्ड बाइंग डॉर्मेंसी को बढ़ाने डॉर्मेंसी का मतलब समझ पा रहे हो डॉर्मेंसी इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली किसी भी प्लांट के सीड को अलाउ ना करना ग्रोथ से गुड इवनिंग क्वियर देखिए

क्स्ट विच ऑफिंग एज अस हॉर्मोन गैसियस हार्मोन कौन सा है जी बताओ जल्दी से दिस इज ऑल्सो इजी इजी है ना एनसीआर को लेके एक लाइन लिखी है कि मोस्ट एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर फील्ड सभी पीजीआर में से सबसे ज्यादा यूज होने वाला हार्मोन यस ऑप्शन बी इथलेन ओके ये सभी को आता ही है नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए क्वेश्चन नंबर फोर मैक्सिमम रूट ग्रोथ आकर इन बताओ मैक्सिमुट ग्रोथ कहां देखने को मिलेगी आपको बताओ 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 जल्दी से बताओ रूट ग्रोथ की बात हो रही है तो ये ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है मतलब बट इट इज इंक्लूडेड देयर इट इज इंक्लूडेड देयर यस यस जो आंसर कर रहे हैं सीपिक एक्सर क्यों है जिनका आंसर गलत हुआ है प्लीज एक बार नोट इट डाउन

ये आपका रिपीट होगा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के अंदर वापस इसको देखा जाएगा एक बार ठीक है हम इसको पढ़ेंगे बट एक चीज आपने जरूर याद रखनी है इलोंगेशन जो होता है दैट इज द सेकंड इलोंगेशन डायरेक्टली नहीं पूछा है दिस क्वेश्चन इज गुड सीधा सीधा नहीं लिखा है आपको आपको लिखा है बिहाइंड एपिक्स एपिक्स के पीछे कौन है इलोंगेशन जोन है मेरिस्टमेटिक जोन के पीछे कौन है इलोंगेशन जोन इज देयर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिकल डोमिनेंस क्या मतलब है एपिकल डोमिनेंस का फिफ्टीन आपके सामने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपके सामने जल्दी से बताइए एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है फिफ्टीन का आंसर क्या होगा जी बताइए ओके ओके क्वेश्चन नंबर सात में डालना है संजय यस इट इज अनडाउटेडली ऑप्शन बी राइट सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एक्सलरी बर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड यानी कि जो टॉप वाली लेटरल बर्ड जो होंगी जो एक्सलरी बर्ड हैं उनकी ग्रोथ रोक देगी वो स्टॉप कर देगी जस्ट बिकॉज एपिकल जो एपिक्स है इट इज डोमिनेंट एट राइट राइट ये क्लियर है इट इज द फीचर ऑफ ऑक्सिन क्या सभी को पता है ऑक्सिन का ये फीचर होता है एपिकली डोमिनेंस वाला यस ग्रोथ इन प्लांट इज प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है रिस्ट्रिक्टेड एट सर्टेन रीजन इिवर्सिबल चेंज इन साइज या फिर ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर बताओ 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 यस आंसर इज ऑप्शन ग्रोथ किसी भी मीन से हो सकती है है चेंज इन द साइज चेंज इन द नंबर कुछ भी हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड है वैसे तो प्लांट हमेशा ग्रो करते रहते हैं नो डाउट बट कुछ रीजन हैं जहां तक थोड़ा वो रिस्ट्रिक्टेड अब ऐसे आह अब कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो सौ सौ साल पुराने हैं अब अगर ग्रोथ उनमें होती रहती ऊपर की तरफ है ना तो ऐसा नहीं लिखा है कि ऊपर रिस्ट्रिक्टेड एट यू नो मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया है रिस्ट्रिक्टेड है बट फिर वो इधर उधर को फैलता है तो सीधा बढ़ता रहता है तो अभी तक ना जाने कितना लंबा प्लांट हो जाता वो प्लांट जो खासकर बहुत पुराना राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ सेल डिजन एंड डिले इन सेनेसेंस वेरी नाइस गुड क्वेश्चन बताओ जल्दी से एनसीआर की लाइन है प्योर क्या होगा आंसर जी इसका क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से फास्ट 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 यस यस यसोकाइन दिस इज द हार्मोन व्हिच इज बेसिकली एक्ट्स अगेंस्ट द ऑक्सिन के उल्टा काम करता है ऑक्सिन के उल्टा काम करता है आपको पता है एंटागोनिस्टिक वर्क करता है उसके व्हाट इज इज फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट नोन एज वो वो प्लांट्स जिसमें फ्लावरिंग लो टेंपरेचर पे डिपेंड करती है कोल्ड ट्रीटमेंट पे डिपेंड करती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं व्हाट डू वी कॉल फॉर दैट प्रोसेस जिसमें लो टेंपरेचर की आवश्यकता होती है बताओ यस आंसर इज योर वर्नेलाइजेशन इज द इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है ये वो टेक्निक है जहां पे लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम हाँ, फ्लावरिंग जो है वो प्लांट के अंदर में करवाते हैं दैट इज द पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए एज अ रिजल्ट ऑफ दियर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्री इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अगर तुम्हें याद हो मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर में ये क्वेश्चन कवर हो चुका है अगर याद हो तो आपका आंसर सही जाएगा बताओ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन 19 का आंसर बताओ क्या बात है बहुत बढ़िया अच्छा इस बार टॉप किसने किया मैंने आपका रिजल्ट नहीं देखा किसने टॉप किया भाई बताओ टॉपर है क्या हमारे बीच में यस आंसर इज जिंक जिंक ने जिंक इज द मिनरल एलिमेंट जो बेसिकली रूट के अंदर में ऑक्सिन की सिंथेसिस जो है वो करवाता है अगले क्वेश्चन में आओ जल्दी से व्हाट वाज डिस्कवर्ड ड्यू टू द फुलिश सिब्लिंग ऑफ बेकनी डिजीज बेकनी डिजीज है ना फुलिस राइस सिडलिंग राइस पे ये डिजीज होती हैं ठीक है फुलिस सिडलिंग ऑफ राइस बैक ने भी इसको कहते हैं ई कुरुसावा नाम का साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया बताओ फास्ट एंड सेशन को लाइक भी करते चलो साथ के साथ शेयर भी करना है ओके यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी विल बी ऑप्शन बी जिबरेलिक एसिड जिबरेलिक एसिड वाज बेसिकली गिब्रेलिक एसिड थ्री मोर स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं यह था जिसकी डिस्कवरी हुई थी एट दाइम राइट राइट नेक्स्ट 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 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन करेक्टली मैच गलत आपको ढूंढना है इसमें से बताओ आई ए एलवर इलांगेशन एफसी कैसे बोल्टिंग एसिड साइटोकन इन सेल डिविजन क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वेरी गुड नाइस 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 ओके 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 आंसर इज ऑप्शन बी एबसिसिक एसिड कोयल चेक कर लो एक बार ठीक है बोल्टिंग के प्रोसेस में एबसिटिक एसिड को यूज नहीं किया जाता ठीक है फॉर श्योर ओके दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है ट्वेंटी टू वट मोबिलाईज स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन हाँ जी कौन मोबिलाइज करता है स्टोर्ड फूड को जब जर्मिनेशन हो रही होती है प्लांट जो सीड है वो जर्मिनेट करता है तो कौन उसको मूव करवाता जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टोर्ड फूड जो स्टोर्ड फूड है उसकी मोबिलाइजेशन कौन करवाता है सीड जर्मिनेशन के टाइम पर हाँ जी बताओ 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 जल्दी से Yes, yes, it is, it is, uh, Gibralins. Gibralins आपको पता है इंटरनोडल डिस्टेंस जैसे वो इनक्रीज कर रहा है, obviously बात है जो फूड है बेसिकली वो भी ऊपर की तरफ जहां पर रिक्वायरमेंट उसकी होती है वट प्लांट हॉर्मोन प्रमोट सीड डोरमेंसी बर्ड डॉर्मेंसी एंड स्टोमेटल क्लोजर दिस इज द फाइनल दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है की पॉइंट यहां से तुम्हें आंसर एकदम से बिना ऑप्शन देखे भी तुम्हें मा, तुम्हारे माइंड में आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जल्दी से बताओ 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 अदिति का आ चुका है संजय का आंसर आ चुका है आंसर योर स्ट्रेस हॉर्मोन स्टोमेटा उस चीज में हेल्प करता है और डॉरमेंसी में तो है ही राइट व्हाट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट इनिशिएशन रूट को इनिशिएट करने के लिए कौन सिबल है अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है तो तुम इसको सही करोगे गलत नहीं होगा बिकॉज इसमें मैंने थोड़ा अभी पहले एक्सप्लेन किया है इन दिस सेशन ट्वेंटी फोर का आंसर बताओ ओके okay, अदिति का आंसर आ चुका अबर्ट संजय ओके ओके काफी वेरिएशन है आंसर्स में ओके 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 देखो ऐसा है मैंने तुम्हें बताया वन एवर यू विल वेन एवर वी सो दिस सीड ओके हम उसकी जब ग्रोथ कराते हैं तो आपको पता है एक शूट बननी चाहिए एक रूट बननी चाहिए तो मैंने तुम्हें बताया साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन डालना है जिसकी वजह से ऑक्सिन जो है वो रूट की ग्रोथ करवाएगा ठीक है और साइटोकाइनिन शूट की ग्रोथ करवाएगा सेम एप्लाइज इनमें से कौन सा आपको देखना है रूट इनिशिएशन बोला गया है तो रूट की ग्रोथ तो विच इज दिन कैनेट इन नो एफ एसिड नो गिब्रेलिक एसिड नो इट इज इन दो एसिड आई बी ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ साइटोकाइन साइटोकाइन सीधा सीधा फंक्शन बताओ इनिबिट साइटोप्लाजिक मूवमेंट हेल्प इन रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिन इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट या फिर प्रमोट लेयर फॉर्मेशन बताओ गुड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आपके सामने बताओ बताओ एनसीआरटी में इसकी लाइन लिखी हुई है इसके बारे में एनसीआरटी ने कुछ लिखा हुआ है वेरी गुड बहुत बच्चों को आता है संजय आदिति बाकी लोग भी अपना आंसर बता सकते हैं ओके okay, कोयल का आंसर आया दिस सो आंसर इज ऑप्शन बी हेल्प इन रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल आपको पता है ये बहुत सारे काम करता है एंटी एजिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं ठीक है एपिकल डोमिनेंस को ये ओवरकम करने में हेल्प करता है बिकॉज लेटरल बर्ड्स की जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ करवा देता है मैंने आपको ये बताया था इसके अलावा ये आपका क्लोरोफिल उसको भी रिटेन करके रखता है मैंने बताया ना एंटी एजिंग जब है तो ये लीव्स को मरने नहीं देगा ठीक है ठीक है ये उसके अंदर रिटेन करके रखेगा उस क्लोरोफिल को समझ में आई बात नेक्स्ट नेक्स्ट वट डज ए बी एक्ट Antagonistic टू नाइस एंटेगोस्टिकस्टिक काम करता है किसके उल्टा काम करता है ए बी ए बताओ ये तुम्हें क्लास में डिस्कस हुआ है नोट्स में नहीं है एन सी आर टी में भी नहीं है एनसीआरटी में शायद पर नहीं है शायद ठीक है ट्वेंटी थे इसमें आपको पर क्लास में मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन का भी बताया था इसका भी बताया था आंसर बताओ नाइस nice. मतलब क्लास अच्छे से लगाते हो वेरी गुड देखिए ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी द आंसर गिब्रेलिन्स इज द आंसर इसके ये उल्टा कर देता है एंटागोनिस्टिक जो ये एक्ट करता है ठीक है नाइस नेक्स्ट पे आइए व्हाट आर शुगर केन स्प्रेड स्प्रेड विद टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन सीधी सी बात है जो शुगर केन से है उसमें ऐसी किस चीज की स्प्रे की जाती है ताकि उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाए उसका जो स्टेम है काफी ज्यादा थिक हो जाए आपको ये एनसीआरटी में भी गिवन होगा वहां पे उसके बारे में वहां पे बताया है ओके okay, बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेवन येस इट इज गिब्रल ओके नोट्स में भी है एनसीआर में भी है ठीक है जी वट डज प्लास्टिसिटी इन द प्लांट ग्रोथ मीन तुम पढ़ते हो ध्यान से कि नहीं मुझे तो पता था है ना कवर तो करना पड़ता है कैसे करें <laughs> चलो बताओ ट्वेंटी एट का आंसर बताइए वर्ड प्लास्टिसिटी इन द प्लांट ग्रोथ मीन बताओ 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 बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट आपको पता है दो तरह की देखी थी एनवायरमेंटल हिट्रोफिली थी हमारे पास में वहां पे और दूसरा क्वेश्चन शायद ही पूछा जाता है बट स्टिल ये डाल दिया गया आपको पर आ भी सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाएगा है ना बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन आपके सामने है आंसर बताइए वेरी फास्ट हम्म हम्म ओके नाइस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस मीटर में बच्चे मेजर कर सकते हैं नंबर में साइज में लेंथ या वेट कुछ भी हो हम ग्रोथ तो मेजर कर सकते हैं उसमें ठीक है वट डज द टर्म सिनर्जेस्टिक एक्शन ये अच्छा क्वेश्चन जो एक्शन है एक होता है एंटेगोनिस्टिक एक होता है सिनर्जेस्टिक इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जेस्टिक बताओ

क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लिखा है एनसीईआरटी में बट अगर इनडायरेक्ट वे में समझो तो याद तुम्हें आएगा याद करो एफ द साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था उसको चलो मैंने तो अब आंसर ही बता दिया एफ स्कूक के नाम से तुम्हें याद ही आ जाएगा ओके okay, बहुत बढ़िया काफी बच्चों का आंसर सही है आंसर इस साइटो पेन आपको पता है क्या आपको पता है उन्होंने देखा था कि जब वो उन्होंने ट्रमेंडस ग्रोथ जो है वो अपने जो भी वो ग्रो कर रहे थे उस टाइम उस पर उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जब वो ऑक्सिन के साथ में या तो कोकोनट वाटर कोकोनट मिल्क वहाँ पे एक्चुअली लिखा है दैट मिल्क इज नथिंग बट द वाटर ओके उसकी या तो कोकोनट मिल्क उसमें डाल रहे थे डीएनए का एक्सट्रैक्ट डाल रहे थे ठीक है ये सारी चीजें जब वो ऐड कर रहे थे उसमें तो तभी जब ग्रोथ शूट की देखने को मिली क्योंकि शूट की ग्रोथ साइटोकाइनिन करवाता है तो कोकोनट वाटर में बात है वहाँ पे प्रेजेंट होगा okay, तुम्हें खुद सर्च करने को भी बोला था क्या? बताओ बताओ लॉन्ग डे प्लांट पूछ रहा है भाई लॉन्ग डे प्लांट पूछ रहा है वेरी गुड वेरी गुड सभी का आंसर सही है ऑप्शन डी व्हीट इज द लॉन्ग डे प्लांट और सबसे पहले ये टोबैको कौन सा है बताओ डे प्लांट है, है? दिस बाजरा है, न्यूट्रल है या फिर शॉर्ट डे मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन से सिर्फ आपके पास में मतलब एक

सा नेचुरली अकरिंग नहीं है थर्टी थ्री बताओ 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 यस ऑप्शन ए टू फोर डी इज द इज द सिंथेटिक ऑक्सिन विच इज बेसिकली यूज टू किल डायकोट वीड्स एम आई राइट नेक्स्ट थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडी साइड वीडी साइड की ओर शिट मैंने तो आंसर ही बता दिया तुम्हें मुझे पता नहीं था लिटरली ये क्वेश्चन है मुझे पता नहीं था चलो कोई बात नहीं देखते हैं आंसर बताओ जी थर्टी फोर का ये फ्री के मार्क्स चले गए तुम्हें हम्म अगर अभी किसी ने गलत किया होता ना यस आंसर ओके ये डायकॉट वीड को जो है वो खत्म करता है मोनोकॉट को नहीं करता ठीक है बच्चे नेक्स्ट पे आइए वेयर ऑक्सीजन सिंथेसिस अकर इन प्लांट्स ऑक्सीजन की सिंथेसिस प्लांट में कहा हो रही है ये बता दो बस बताओ 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 ऑक्सीजन की सिंथेसिस कहां हो रही है प्लांट में हाँ ये क्योंकि टिप में प्रेजेंट होता है तो शूट और रूट की टिप में इसकी जो सिंथेसिस होती है वट कैन बी यूज टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट एन अर्यर स्टेज बहुत अच्छे से तुम्हें ये लिखी है कि यह रोकता है ये हॉर्मोन अर्ली गिरने से जिससे जो वो सीजन जिससे जो वो किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं मार्केट में देर तक फ्रूट जो वो आपके जो आपका बगीचा है वहां पर रह सकता है बताओ थर्टी सिक्स का आंसर क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल स इट इज ऑक्सीजिन ठीक है ये जल्दी अर्लियर ड्रॉप जो है वो नहीं करवाता ठीक है हाउ कैन ऑक्सीजन बी बाय साइड ये बच्चे एक थोड़ा सा आ, मतलब ये एनसीआरटी में तो नहीं है वैसे पर क्वेश्चन यहां से कई बार देखे जाते हैं तो प्लीज़ ये वाला आप खुद से एक बार देख लेना मतलब आप नेट पे सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा कि ऑक्सीजन के लिए कौन सा बायो ऐसे बना है वैसे ही गिब्रेलिन के लिए होगा इथेलिन के लिए होगा और वैसा ही एक एबसीसिक एसिड के लिए होगा साइटोकाइनिन के लिए होगा और ऑक्सीजन के लिए तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ ही गया है तो ये आपको याद रखना है ठीक है एवीना कर्वेचर टेस्ट आपको पता होगा एवीना क्वेचर तुमने नाम तो जरूर सुना होगा ठीक है काफ़ी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं वेरी गुड अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपको ये मिला होगा ठीक है ये कुछ बायोसाइड होते हैं जिससे जो बेसिकली इनके ऊपर किए जाते हैं बेसिकली हरे हार्मोन का एक अपना बायोएसए होता है ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज फोटोपीरियडिज्म फोटोपीरियडिज्म क्या है भाई सीधा-सीधा पूछा के बताओ रिकरेंस ऑफ डे एंड नाइट दिन रात हो रहे हैं ये है क्या इफेक्ट ऑफ द डे लेंथ ऑन फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट ग्रोथ करवेचर ऑफ द रिस्पांस टू द लाइट सीधा-सीधा आंसर आपके पास में बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से अदिति चेक कर लेना एक बार आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज इफेक्ट ऑफ द डे ऑन द फ्लावरिंग इट इज ठीक है कंफ्यूजन होता है एक होता है फोटोट्रोपिज्म एक होता है फोटोपीरियोडिज्म पीरियड की जहां बात हो रही है इट इज द ड्यूरेशन इट इज अबाउट द लाइट ड्यूरेशन प्रोड्यूस इन शॉर्ट डे प्लांट वेरी गुड क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोटो पीरियड लेस देन द आवर शॉर्ट डे प्लांट की बात हो रही है मैंने पहले ही आपको बताया कि क्वेश्चन में बताया इनिशियल एंड शॉर्ट फोटो पीरियड एंड इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट लॉन्ग नाइट अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो ये क्वेश्चन उस डायग्राम से आया है जो डायग्राम तुम्हें स्मार्ट नोट्स के अंदर में बनाया गया मतलब जो उसमें दिखाया गया था उस दिन काफी डिटेल में चर्चा हुई थी उसके बारे में तो वहीं से ये क्वेश्चन बन के आया हाँ जी आंसर बताओ सभी लोग यस आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ऑप्शन बी दर तो होना चाहिए पर साथ में अन इंटरप्टेड होना चाहिए लॉन्ग नाइट मस्ट बी देयर अगर बीच में लाइट मिली तो फ्लावरिंग नहीं होगी क्यों शॉर्ट डे प्लांट पर अगर यहाँ पे लॉन्ग प्लांट होता तो अगर इंटरप्ट हो जाता आ, वो period, तो वहां पे हो जाती है लॉन्ग डे में हो जाती है यह बता दो तो बस जल्दी से फास्ट 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 कम ऑन टेन क्वेश्चन लेफ्ट लास्ट टेन क्वेश्चन बच्चे लास्ट टेन क्वेश्चन में फुली कंसेंट्रेटेड पूरा जोश बना करके रखना है आप कैपेसिटी साथ में रिप्लेस yes, वो वो तो कर देता है नेक्स्ट टी प्लांटेशन कॉमनली यूज इन विच ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन टी प्लांटेशन ये भी एनसीआरटी में है बिल्कुल है एनसीआरटी में ये आपको मिल जाएगा जी ऑक्सीजन है ये तो टी प्लांटेशन आपको इसीलिए करते हैं ऊपर से उसके जो टिप है वो काट देते हैं ताकि लेटरल ग्रोथ हो सके लेटरल शूट्स की ग्रोथ हो सके सो दैट वी गेट द गुड यूल्ड ऑफ टी राइट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आपके पास में हु डिस्कवर द एवीना कोलिफ्टेल टेस्ट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ़ द ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कितना होता है मतलब इनडायरेक्ट वे में आइसोलेटेड दिस पर्टिकुलर हार्मोन ये पूछा गया 42 टू का आंसर बताइए संजय आदिति आपका आंसर आ चुका है और बताओ 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 यस इट इज एफ डब्ल्यू वेंट ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको जो है वो क्या किया था बेसिकली आइसोलेट किया था फ्रॉम ओट्स का जो कॉलेप्टाइल था उस ठीक है एवीना उसी को कहते हैं ठीक है बच्चे ऑक्सीन एंड इंडोल थ्री एसिटिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम व्हाट ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कंफ्यूजन होता है इसमें कई बार बट मैंने आपको जब लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि एनसीआर में एक लाइन मिलेगी उसको एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इन तो तो ऐसा क्वेश्चन आए डेफिनेटली तो ऑप्शंस देखो आप कॉर्न ग्रेम ऑयल ये ऐसे ऐसे ऑप्शन है जिनका कनेक्शन ही नहीं है ह्यूमन यूरिन है ना जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो कन्फ्यूज नहीं करेगा तुम्हें सीधा सीधा ऑप्शन दे देगा अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो तुम कर जाओगे समझ में आया नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से बताओ फोर्टी फोर ये तो आपको पहले ही टेबल बना हुआ है उसी में आपको पता होगा उससे आपका जो वो बेसिकली जो साइटोसिन बेसिकली नाइट्रोजनस बेस उससे आपका डीएनए का नाइट्रोजन बेस जो है उससे आपका साइटोकाइनिन बनता है वैसे इंडोल एसिटिक एसिड का ट्रिप्टोफेन है वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 45। फ्लावरिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिमुलेटेड बाय वर्नेलाइजेशन ये 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 एनसीईआरटी में है ये एनसीईआरटी में है एग्जांपल्स वहां पे लिखे होंगे यस yes. आंसर इज कैरेट ऑप्शन सी आपके पास में है लो मेंचर अगेन उसी की बात कर रहे थे इज फॉर बताओ बच्चे इथाइलिन किस चीज के लिए यूज किया जाता है uh, ये, इसका मुझे किसी ने मैसेज किया था कि उसको डाउट है तो अभी अगर आप क्लास में हो कोई जिसने मैसेज किया था तो वो बता सकता है क्या डाउट है इस पर क्योंकि इसका आंसर मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है सीधा सीधा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेसिकलीफ फ्रूट स्लो डाउन द राइपनिंग ऑफ एप्पल है ना ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंक्रीज करता है फ्रूट्स को ठीक है ये यहाँ पे बाकी कोई आंसर uh, नहीं हो सकता स्लो डाउन नहीं करेगा रिटार्ड नहीं करेगा ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर्ड फूड इज मोबिलाईज बाई आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तुम्हें भी लगता है क्या लगता है हो जाता है कि वर्सली मिस्टेक्स

एक्सेसिव इलांगेशन जो करता है प्लांट का जो स्टेम है इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ जाता है एक्सेसिव इलाशन हो जाता है बिल्कुल गिब्रेलिक एसिड की बात हो रही है सीधी सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम ग्रोथ रेट अक्कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ये ग्राफ की बात हो रही है आपके पास में जो ग्राफ हमने बोला था कि इट इज सिग्मोइड इन शेप तो इसमें अलग अलग तरह का जो है वो फेजेस आपको बताई गई थी तो इसमें जो आपको मैक्सिमम ग्रोथ है दिस फेज ये जो स्टैंडिंग फेज है ये इसमें इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या फिर आपका लॉग फेज भी इसको कहते हैं दूसरा नाम अगर क्वेश्चन आए तो लॉग फेज भी इसी को कहते हैं याद रखना ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच विच टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स प्राइमरली अफेक्ट द ग्रोथ कौन से दो फैक्टर हैं जो आपके प्राइमरली प्राइमरली देर आर सो मेनी फैक्टर जो ग्रोथ को बता रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर की बात हो रही है पानी है सोइल है लाइट है टेम्परेचर है पर प्राइमरली कौन है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास में यहाँ पे हो जाता है दैट इज ऑप्शन ए लाइट एंड टेम्परेचर आपके पास में जो है यहाँ पे कौन है ये प्राइमरली ग्रोथ फैक्टर्स आपके पास में क्लाइमेटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं राइट यस सो दिस दैट वाज योर सेशन ये हमारा 50 क्वेश्चंस का सेशन कंप्लीट हुआ नाउ यू गाइस विल टेल मी सेशन मुझे जल्दी से बताओ कैसा लगा सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करना है आपको और यू कैन शेयर इट एज वेल ओके और कल हमारा वैसे भी नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा Tomorrow we will be discussing photosynthesis, then respiration, और आपका प्लांट कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ठीक है मुझे स्कोर बताओ फिलहाल किसके कितने गलत हुए ये बता दो बस जल्दी से बता दो और सेशन को लाइक भी करना है सभी ने ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट बताओ 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 अदितिजल का एक गलत वेरी गुड बच्चा इंप्रूवमेंट देखो तुम्हारे लिए चीटिंग करके अगर ये होगा, अगर तुम अपनी ऑनेस्टी के साथ लॉयल रहोगे अपने आप से खुद के साथ लॉयल रहोगे तो डेफिनेटली यू एस विल इंप्रूव एंड फॉर श्योर आप क्रैक कर लोगे एग्जाम ठीक है हाँ आप बीच में आए थे तो टाइम का ध्यान रखो है ना बी पंक्चुअल ठीक है जब क्लास है तो मतलब क्लास है उस टाइम पे नो अदर वर्क ओके तो ये चीज होती है जब तुम टाइम पढ़ाई को दोगे तो डेफिनेटली वो तुम्हें सक्सेस तक लेके जाने में हेल्प तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं ठीक है जी तो कल हम मिलेंगे इसी समय पे आपका क्लास में तो टूमोर वी विल बी डिस्कसिंग द फोटो सिंथेसिस ठीक है तो ध्यान रखिए ठीक है पढ़ाई करते रहो आगे बढ़ते रहो थैंक यू सो मच टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट गॉड ब्लेस यू और सेशन को लाइक कर देना